पूरे दिन बस डांस डांस करता रहता है। डांस को लेकर ना कुछ नहीं होने वाला। जा जाके कोई काम कर ले, नहीं तो हम सब एक दिन बुड्ढे होके भूखे मर जाएंगे। अबे कुछ बोलेगा भी ऐसा बैठा रहेगा चुपचाप। डांस छोड़ना पड़ेगा शायद। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? मिडिल क्लास की यही तो प्रॉब्लम है यार। पापा का उम्र बढ़ता जा रहा है, अकेले फैमिली संभालने में दिक्कत हो रही है उनको। तो उनकी मदद करना, कोई छोटा मोटा काम धंधा कर ले ताकि उनकी मदद हो सके। काम पे गया था, अगर काम करो तो डांस के लिए टाइम नहीं मिलता। तेरे मम्मी पापा क्या चाहते हैं कि तू बड़ा होके क्या बने? यार सारी मम्मी पापा तो यही चाहते हैं ना कि अपना बेटा कोई सरकारी नौकरी देख के सेटल हो जाए। मेरे सपनों को कोई कीमत ही नहीं है उन लोगों के पास। मैं समझ सकता हूँ। देख, कोई भी मम्मी पापा ये नहीं चाहता कि अपने बेटे भागदौड़ से ज़िंदगी गुजारे या फेलियर से लड़े। वो चाहते कि अपने बेटे अच्छे से सेटल हो जाए, ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। तो इसमें मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है, तो देख सकता है। यही तो भाई, एक तरफ मम्मी पापा और एक तरफ मेरे डीन, किसके पीछे भागो यार। तो उन लोगों को थोड़ा कुछ बड़ा करके दिखा देना। कुछ बड़ा मतलब? वही तो, बड़ा कुछ करने के लिए टाइम चाहिए होता है, जो मेरे पास नहीं है। तू रियलिटी शो में ट्राई कर सकता है, वहाँ से तेरा अच्छा करियर भी शुरू हो सकता है। वहाँ से फेम भी मिलेगा वहाँ पे। रियलिटी शो कहाँ है? रियलिटी शो सब चूतिया काटने का खेल है। ये जानते हुए भी हर साल लाखों स्टूडेंट ऑडिशन लाइन पे खड़ा होता है। बात क्या जानते हो, ये रियलिटी शो में रियलिटी ही नहीं है आज के दिनों में। तेरे को पता है, 3 साल पहले मेरे एक टीचर ने मेरे से कमाल की बात कही थी। क्या? कि अच्छा डांसर और डांस को लेके करियर बनाने में रियलिटी शो की ज़रूरत नहीं होती। बात तो सही है। तब बात समझ में नहीं आई थी, अब बात आई। टीचर टीचर होता है। तो आगे क्या प्लान, क्या करेगा आगे? पता नहीं। तू यहीं पे हाल छोड़ देगा? तू यहीं पे ख़त्म सब? सुन, अगर तू यहीं पे छोड़ देता है तो मेरी कहानी यहीं पे ख़त्म। सुबह के बिना माइकल कभी आगे नहीं जा सकता, ये तू जानता है। इतना दूर आए हैं एक साथ, अभी बहुत से रास्ते चलने बाकी है यार। अभी गिरना बाकी, उठना बाकी, बहुत कुछ सीखना बाकी। यहीं पे हाल छोड़ देगा तो कैसे होगा? तेरे को पता है सक्सेस इंसानियत की खासियत क्या है, कि वो डिमोटिवेट हो जाते लेकिन अपने गोल से नहीं छूटता। और तू यहीं पे छूट जा रहा। इतना आसान नहीं है बेटा, सक्सेस लाइफ के कीमत होता है, उसे तो पहले चुका। अपने मंजिल को हासिल करने में जी जान लगा दे, फिर मंजिल भी आएगा और मंजिल से मिलने का मज़ा भी आएगा। और गरीबी तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत है यार, ये समझ। पहले रैप सुनेगा एक?
पहले बीट बजाता हूँ। तू नहीं हारा ना खुद को दर्जा देना तू बिचारा, मेरा भी एक समय था जब मैं जिंदगी में हारा कर दिखा रहा, ऐसा कुछ कोई ना पास नजर आ रहा, काम करते जा ऊपर वाला रास्ता दिखा रहा, कोई कोई खाना भी नहीं खा रहा, भूखे पेट पे सो जा रहा, कितनों के लिए छत बना है चांद और सितारा, और तू ध्यान दे नहीं पा रहा, तेरे पास कितना कुछ सारा, और तू सोचता है कोचता है दूसरे का खाना काहे को नोचता है, अपना काम करना लाला, आज हूँ अंधेरा पर कल का उजाला, ये बात मैंने 2 साल पहले बोल डाला, गोल पोस्ट पे खरीद पब्लिक फिर भी गोल टाला। देखा ऊपर वाला कभी किसी को परफेक्ट करके नहीं भेजता, बल्कि हमें एक मौका देता है खुद को परफेक्ट बनाने का। चल बेटा आगे बढ़, ये मत सोच कि तू अकेला है, ये सोच कि अकेला है काफी है। बहुत ज्ञान पेल दिया, चल मैं चलता हूँ। और हाँ, मैं 7 जन्म विश्वास नहीं करता, ये विश्वास करता हूँ कि एक ही जन्म होता है और एक ही ड्रीम होता है, बाकी तू समझदार है। चलता हूँ। माइकल